करें। आज हम लोग इस गांधी मैदान सिवान के प्रांगण में हम लोग सब पीएसएल मैटर लेकर जो 23 विभाग में हम लोग जो पेपर भेजना है, आवेदन लगाना है, उसके लिए वज में हम लोग सब लोग सभी सीनियर जूनियर और हमारे सब साथी मित्र सब इकट्ठा हुए हैं। हम लोग इस सिवान के गांधी मैदान में हम लोग इकट्ठा होकर हम लोग सब पेपर तैयारी किए और हम लोग लोकसभा अध्यक्ष महोदय जी के और 22 जगह अध्यक्ष जी के समेत 22 और 23 जगह पर हम लोग पेपर बहुत जल्दी हम लोग ये लगाएंगे और आगे का जो भी पीएसएल का जो हम लोग इस मुहिम में जुटे हैं द जीरो के माध्यम सर के माध्यम से जो मुहिम के माध्यम से हम लोग 23 विभाग में हम लोग ये पेपर लगा रहे हैं। उसके बाद हम सब आगे का जो भी आरटीआई वाला जो अथी है उसको भी हम लोग बहुत जल्द उसका भी हम लोग अथी लगाएंगे और उसका जहाँ भी आदेश होगा वो भी पालन हम लोग करेंगे। हम खासकर हम लोग ये जो 21 और 22 अगस्त का जो मुद्दा है जो हमारे 400 ब्रांचों के माध्यम से सोशल मीडिया में से हमको पता चला है कि 400 ब्रांच के माध्यम से 15,000 करोड़ का अवैध वसूली करके आतंकवादियों उग्रवादियों को दे दिया गया है। इसका अवैध में हम लोग 23 जगह ये पेपर लगा रहे हैं और इसके सब जितने से हमारे साथ जुड़े हुए साथी हैं जो इस मुहिम में सब लोग आगे चल रहे हैं इसको हम सब ये हमारे जो भी जिस सीनियर सर लोग हैं और हमारे समकक्ष जो भी हमारे साथ में और भी बुजुर्ग हैं बड़े बुजुर्ग हैं जो भी बाबा पुराण साथी सर लोग हैं उनका भी और हमारे जो भी हमसे एथी है सीनियर जूनियर है उनका भी हम सब इस मुहिम में आगे आने के लिए उन सभी को सादर प्रणाम और धन्यवाद देता हूं और आगे का मुहिम के लिए और हमारे साथ चलने के लिए उन लोगों को भी हम एथी करते हैं, धन्यवाद देते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय द जीरो जय परिवार। उस सब को इसलिए उस सब को सीनियर लोग को और जूनियर लोग को भी बताना चाहते हैं कि जो एप्लीकेशन अगर पैसा लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? सब लोग भेजेंगे, सब लोगों का यही दायित्व है। जो भी मुहिम में है जो भी द जीरो सर के माध्यम से जो जिसको विश्वास हो गया है उन सब अगर सही ढंग से ईमानदारियत से हम अगर वचन हम देख रहे हैं। हम ज़्यादा तो कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, लंबा नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन जो मुहिम है जो द जीरो सर के माध्यम से जो मुहिम वो बताते हैं वो सत्य के राह पर चलने वाला मुहिम है। इसमें कोई यति नहीं है। आज के परिदृश्य में जितने भी पीएसएल पीड़ित हैं उनके दिल से अगर अंदर से झांक कर देखा जाए तो उनका क्या हाल है, कितने में है, क्या किस तरह जी रहे हैं, ये कहने में भी हमको मने अथी लग रहा है कि क्या जिंदगी था, क्या हम लोग स्टेज पर थे। आज हम लोग जो स्टेज पर चले आए हैं जो जिस तरह चले आए हैं वो जीने के काबिल हम लोग हैं कि नहीं है, ये तो थोड़ा अथी की बात है। हाँ सर बोली। आज सिवान के गांधी मैदान में हम सभी इकट्ठा होकर के 21 अगस्त 2014 और 22 अगस्त 2014 को पीएसएल कंपनी जो पैसा इकट्ठा करके देश विरोधी गतिविधियों में लगाई है इसकी सूचना हम लोकसभा स्पीकर के साथ 23 डिपार्टमेंट को दे रहे हैं। इसमें हमारे सारे सहयोगी लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बहने हैं, इन सभी के माध्यम से हम सभी डिपार्टमेंट को सूचित करना चाहते हैं कि जो पैसा 21 अगस्त 2014 और 22 अगस्त 2014 को कलेक्शन किया गया है उसे हमारे देश के जवानों को शहीद किया गया है और कर इसकी तुरंत जांच किया जाए। इसी के लिए हम लोग सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और इससे पीड़ित पूरे हिंदुस्तान में लगभग 6.5 करोड़ लोग हैं। इसके लिए भी हम लोग काफ़ी चिंतित रहते हैं, इसकी चिंता हमें सताती है और हम लोग कैसे जी रहे हैं। हमारे साथ जितने एजेंट लोग भी हैं
वो भी कैसे जी रहे हैं ये देख करके, कितने एजेंट इसमें आत्महत्या कर लिए हैं, जो कि रोड पर आ चुके हैं, उनको खाने के लिए नहीं है, इसकी चिंता भी हमको सता रही है। और देखते देखते हम लोग इस जगह पहुंच गए हैं कि हम लोग इस फुटपाथ पर आ गए हैं और आज हमें बेकारी सता रही है, और आज आ करके हम इसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को दिए हैं, दे रहे हैं, और इसके साथ हम 22 डिपार्टमेंट को भी दे रहे हैं, ताकि इस सूचना को मिलते ही हमारा डिपार्टमेंट जो है 23 डिपार्टमेंट इसकी जांच करे। इसी के साथ मैं अपना वाणी व्यक्त समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय जीरो परिवार। बोली सर। मैं सत्येंद्र कुमार पाल टेंटाइट से। मैं सत्येंद्र कुमार पाल माहौल बाजार के निवासी हैं। हमको इन्फॉर्मेशन मिला तो हम गांधी मैदान आए, और हम भी इस जो कार्यक्रम है इससे आज हम बैलका पर आए हैं और इसमें हम शामिल हैं। इसके आगे भी काम करिएगा कि नहीं करिएगा? इसके आगे भी हम जब जब हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मैसेज मिलेगा, तब तब हम आएंगे, सीखेंगे, करेंगे, जो योगदान होगा वो योगदान भी देंगे। सर बोल। मैं राम विनोद पांडे। मुझे यह जानकारी मिली कि PSCL के द्वारा 21 और 22 अगस्त 2014 को लोगों के पैसे 400 ब्रांच के द्वारा वसूला गया और उन पैसों का कहीं लेखा जोखा नहीं दिया गया। तो लोकहित में, जनहित में मुझे यह आवाज़ उठाने का मौका मिला है कि मैं जानूं कि ये जो पैसे लिए गए वो पैसे कहाँ गए, और उन पैसों से जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि वे पैसे जो है देश विरोधी कार्यों में लगाए गए। जहाँ तक बात है कि इसके लिए कि मैं माननीय संसद के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, इस तरह से हमने जिला के SP तक को हमने 23 जगह हमने इसको भेजने का निर्णय किया है कि इन सभी लोगों को सूचना, राष्ट्रपति से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर के और अपने जिले के SP तक को हम यह सूचना देना चाहते हैं कि इस तरह की लूट हुई है और इससे करोड़ों करोड़ लोग जो है सो प्रभावित हुए हैं, अरबों खरब रुपए इसमें लूटे गए हैं, और उस पैसे को कहीं न कहीं राष्ट्र विरोधी कार्य में लगाने की शंका हो रही है। तो मैं माननीय इन तमाम माननीय लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस चीज़ की खोजबीन करें और पता लगाएं कि क्या जो जानकारी अभी तक मिली है कि यह देश विरोधी कार्यों में लगा है वह सही है या नहीं। अगर सही पाया जाता है तो जो लोग भी इसके लिए जिम्मेवार लोग हैं, जिन्होंने राष्ट्र को क्षति पहुंचाया है, जिन लोगों ने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रद्रोह किया है, उनको जो है सो कड़ी से कड़ी दंड मिलना चाहिए और भारत की जनता के साथ न्याय होना चाहिए। जो लोगों ने पैसे इसमें लगाए उनके साथ न्याय होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को राम विनोद पांडे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं दशरथ प्रसाद गुप्ता, नया बाजार हथुआ, जिला गोपालगंज का निवासी हूँ, और PSCL के सूचना के मुताबिक गांधी मैदान में आज मीटिंग का आयोजन किया गया था। इस मीटिंग में हम लोग उपस्थित हुए हैं। जानकारी मिली है कि बाईस अगस्त को बाकी घुमाओ खाती आदमी घुमा ली, जो भी पैसा जमा किया गया है पता चला है कि वह पैसा PSCL के डाटा में नहीं है, और उस पैसे को उग्रवाद में ही खर्च लोगों ने PSCL ने ही किया है। इसकी जांच किया जाए, और 23 जगह हम लोगों का मुहिम का अपना पेपर दे रही है, और वैसे पदाधिकारियों से भी आग्रह है वे लोग इसका जांच करें, और जो गरीब लोग जमा किए हैं PSCL में पैसा, उन लोगों के पैसे का न्याय हो, और जो अगर इसका दुरुपयोग उग्रवाद में किया है उसको कड़ा सजा देने की कृपा किया जाए। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। मैं रविंद्र भट्ट लोन सिमान का रहने वाला हूँ।
आज हम गांधी मैदान के धरती पर आज इस सभा में पूरे हमारे पल्स पीड़ित साथियों बहनों जो कि हम लोग काफ़ी दिनों से परेशान हैं और सोशल मीडिया द्वारा पता चला है कि 21/8/2014 और 22/8/2014 को 400 ब्रांचों के माध्यम से PACL के मैनेजमेंट ने करीब करीब 15,000 करोड़ वसूल किया और उसको देश विरोधी गतिविधियों में लगाया। उसका लेखा जोखा भी कहीं नहीं है। मैं अपने साथियों के तरफ से 23 विभागों में इसकी सही सही जानकारी लेने के लिए आवेदन दे रहा हूं और माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य तमाम अधिकारियों से मैं आग्रह करता हूं कि इस पल्स पीड़ित परिवार के सभी साथियों का जो भी इसमें जमा धन है उस पर न्यायपूर्वक किया जाए। इतना ही मैं कहकर वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बोलिए सर। रोकी मार।